हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ ये चीज शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप अपने बालों को डेली बेसिस पर अपने बालों की केयर करते हो, किसी भी तरीके से अपने बालों को पैम्पर करते हो, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का हेयर स्प्रे हो, हेयर ऑयल हो या फिर कोई भी हेयर पैक हो, अगर आप डेली बेसिस पर या फिर ऑल्टरनेट डेज पर भी अपने बालों की देखभाल करते हो तो आपके बाल कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, ये ही मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो गाइस, मैंने यहाँ पर 7 दिन का चैलेंज लिया है। इन 7 दिनों में मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होम रेमेडीज अपने बालों पर अप्लाई करूंगी और कुछ दिन मैंने होम रेमेडीज को रिपीट भी किया है। तो क्योंकि मेन मोटिव हमारा यही है कि डेली बेसिस पर देखभाल करने के बाद बाल कैसा हमारे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ होम रेमेडीज को रिपीट भी किया है। तो लास्ट में जाकर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से बेस्ट होम रेमेडी कौन सी थी और बालों पर क्या असर पड़ा। तो 7 दिन का ये चैलेंज है, आप लोग भी देखिए और मेरे साथ इस चैलेंज को आप लोग भी एक्सेप्ट कीजिएगा। सो गाइज, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं अपने डे वन से। सो गाइस, आज है मेरे चैलेंज का डे 2 और कल मैंने कर्ड लगाई थी, आप लोग के साथ शेयर किया था कर्ड का, और उसके बाद के जो रिजल्ट्स थे वो कुछ इस तरीके थे। आज दूसरा दिन है तो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है कर्ड, वैसे भी हमारे बालों को जो है वो डीप कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है और बालों में शाइन लेकर के आता है, बालों को सुपर सुपर स्मूथ बनाता है। तो उस हिसाब से इसने मेरे बालों को वो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करी है, बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाया है, सॉफ्ट बनाया है, मैनेजेबल बनाया है और टच करते ही ना बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी सी फीलिंग आ रही है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी बाल नहीं उलझ रहे। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपने बालों पर, कल जो है मैंने कंडीशनिंग के लिए कुछ लगाया था, तो आज मैं अपने बालों पर ग्रोथ के लिए कुछ लगाऊंगी, बालों का जो हमारा जो हेयर ग्रोथ होती है वो, प्लस बाल ना झड़ने के लिए, तो उसके लिए मैं कोई रेमेडी ट्राई करूंगी एंड ये हमारे बालों को स्मूथ भी करता है। तो यहाँ पर मैं ये लगा रही हूँ, ये है अनियन का जो जूस होता है ना, अनियन जूस होता है वो। इसके लिए मैंने अनियन को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कोकोनट ऑयल जो है वो मिक्स किया है। तो ये हमारे बालों को मतलब कि स्मूदन भी करेगा बिकॉज उसमें कोकोनट ऑयल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से मैं इसे अपने बालों पर अप्लाई कर लेती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 3 और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, जस्ट अभी 9 ही बज रहे हैं और मैंने सोचा कि अभी मैं अपने बालों में कुछ अप्लाई करती हूँ अच्छा सा। और आप देख सकते हो ये मेरे कल के बालों का रिजल्ट है। कल मैंने आपको दिखाया था कि मैं अनियन का जूस, उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो है वो मिक्स करके मैंने अपने बालों पर अप्लाई किया था एंड उससे जो है ग्रोथ तो होती ही है, और अगर आपके बालों में थोड़ी बहुत डैंड्रफ है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो वो सारी जो है ना निकल के नीचे तक आ जाती है। गाइस, हम लोग क्या करते हैं ना, गर्मियों की वजह से बाल बंधे रह जाते हैं या फिर क्या होता है कि जब गीले बाल होते हैं तो वो बंधे रह जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बालों में छोटी छोटी सी ना कुछ डैंड्रफ टाइप की चीज़ होती है। एग्जैक्टली डैंड्रफ तो नहीं होती बट उसके अलावा कुछ चीज़ होती है, वो मेरे बालों में हो गई थी। तो मैंने ये जो अनियन का जूस है इसको कम से कम 3 या 4 बार लगाया। तो 3-4 एप्लीकेशन के बाद, फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या हुआ था कि मेरे जो नीचे के बाल हैं ना, यहाँ पर आई थी कुछ चीज़ें, तो मुझे समझ में आता कि हाँ ये वही है। एंड देन कल मैंने जब अपने बालों को वॉश किया तो कुछ भी नहीं था, मे बी शायद वो 2-3 एप्लीकेशन के बाद और वॉश के बाद वो निकल चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मेरी स्कैल्प है वो बिल्कुल क्लीन है, अदरवाइज आप देख सकते हो
अदरवाइज थोड़ी बहुत जो है ना वो हो जाती है कि हम बाल बंद करके रखते हैं और समर से, और सर्दियों में बाल कई बार होता है कि नहीं सूखते हैं, तो इस वजह से हो जाते हैं। सो गाइस वो मैंने किया, और कुछ दिनों से मैं 3 दिनों से कर रही हूँ, तो डेली बेसिस पर मैं शैम्पू अप्लाई कर रही हूँ विच इज़ नॉट गुड। तो मैं डेली बेसिस पर शैम्पू लगा रही हूँ, तो इस वजह से आज मैं अपने बालों को विदाउट शैम्पू वॉश करूँगी, लाइक घर में ही किसी चीज़ से वॉश करूँगी। तो वो फिर भी ठीक है क्योंकि समर्स हैं और पसीना वसीना हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने बालों को डेली वॉश कर सकते हैं, बट डेली बेसिस पर शैम्पू अप्लाई करना इज़ नॉट गुड फॉर हेयर। तो इसलिए मैं शैम्पू नहीं अप्लाई करूँगी आज। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं आज अपने बालों पर मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ एक सिंपल सी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है, बस मैंने पानी से इसे घोल लिया है। मैं ज़्यादा टफ DIYs नहीं कर रही हूँ इन 10 दिनों में, बहुत सिंपल सिंपल कर रही हूँ। हे गाइस, सो आज है Day 4 DIY का। तो कल जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे अपने मतलब बालों में मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई थी, और उसके बालों को धोते वक्त मेरा एक भी बाल नहीं टूटा, लेकिन जब मैं कॉम कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर बाल तब भी निकले, क्योंकि नॉर्मली हम बाल सुलझाते हैं तो कुछ तो निकलते ही निकलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कम, लाइक 3 to 4 हेयर बस मेरे इतने निकले थे। और लेकिन मेरे जो बालों का है ना, मैंने ऐसे ही करके रखा हुआ था पूरे दिन, क्योंकि फंस रहे थे हाथों में, बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए थे। तो मे बी शायद इस वजह से कि हमें आदत नहीं है हर्बल चीज़ें अप्लाई करने के बालों में, इस वजह से ये रीज़न हो सकता है। तो अभी मैं अपने बालों को सुलझाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने अपने बालों को भी सुलझाना स्टार्ट किया तो बहुत सारा झड़ेगा, बहुत मतलब कि बहुत सारे बाल मेरे टूटेंगे, इसीलिए मैं सुलझाऊंगी नहीं। और आज जो मैं अपने बालों में ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है, मैं ये पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसे बालों में मैं अच्छे से लगाऊंगी ताकि मेरे बाल पहले की तरह सॉफ्ट हो जाएं, एकदम स्मूथ हो जाएं, सॉफ्ट से हो जाएं, प्यारे से हो जाएं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कर्ड मैंने ली है, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं लिया है। तो यस, अब मैं अपने बालों पर कर्ड अप्लाई करने जा रही हूँ, तो अच्छे से मैं सारे बालों पर कर्ड करूँगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो गाइस, मैंने अपने बालों पर जो है कर्ड अच्छे से अप्लाई करी, मैंने बहुत सारी कर्ड लगाई है, स्पेशली मैंने यहाँ पर और स्कैल्प पे बहुत सारी कर्ड लगाई है ताकि मेरे बाल अच्छे से हो जाएं, थोड़े स्मूथ हो जाएं पहले की तरह। तो आज मैं अपने बालों को शैम्पू नहीं करूँगी, बिकॉज वैसे आज थर्सडे है, थर्सडे को मैं बाल नहीं धोती हूँ, बट मेरी मजबूरी है क्योंकि बाल बहुत ख़राब हो गए थे। इस वजह से मैं ये कर सकती हूँ कि मैं शैम्पू नहीं करूँगी, बट पानी से अपने बालों को वॉश कर लूँगी, बाकी मैं कल शैम्पू करूँगी। और इससे ये फ़ायदा भी होगा कि मेरे बाल जो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा जो रफ़ हुए थे अभी मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद, वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं इसको अपने बालों पर रखती हूँ जितना मैं रख सकती हूँ, बट मिनिमम आप इसको अपने बालों पर 20 मिनट तो कम से कम रखिए ही रखिए। बाकी मैं इसको देखती हूँ मैं कितने टाइम तक रख सकती हूँ, देन उसके बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी, एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मैं आपसे अपने 5th DIY पे मिलती हूँ। तो आज है 5वां दिन मेरे DIY का, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे जो बालों की क्वालिटी है ना वो डे बाय डे अच्छी होती जा रही है, क्योंकि मैं अच्छे से अपने बालों का ध्यान रख रही हूँ। सबसे अच्छी बात है क्वालिटी के साथ साथ जो इसका टेक्सचर है वो अच्छा हो रहा है, दूसरा बाउंस बालों में बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मेरे बाल पहले इतने बाउंसी नहीं लगते थे क्योंकि मैंने अपने बालों की केयर करनी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम कर दी थी, तो एक साथ ऐसे उठाती तो सारे बाल एकदम स्ट्रेट ऐसे पूंछ की तरह आते थे, बट नहीं, अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो मैंने चैलेंज लिया है ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहा है मेरे बालों को। तो आज मैं अपने बालों पर थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि मैंने ऑयलिंग नहीं करी है। तो फिर ये है प्याज का तेल जो कि मैंने घर पर बनाया है, इसे आप लोगों को अगर सीखना है कि मैंने कैसे बनाया है तो प्लीज़ मेरा वीडियो है जो है वो चेकआउट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो सेंड कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल है ये हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, और साथ में ये बालों को स्मूदन भी करता है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे अपने बालों पर अप्लाई कर देती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ इसे अपने स्कैल्प पर अप्लाई करूँ, क्योंकि ये हमारे बालों को नरिशमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं ज़्यादातर इसे अपने स्कैल्प पर ही लगाऊंगी। तो चलिए फिर मैं जल्दी से अपने बालों पर ऑयल को अप्लाई कर देती हूँ।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा जो DIY का दिन है वो आई थिंक छठवां दिन है, सिक्स्थ डे है, मुझे याद नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। तो ये मैं आज अपने बालों पर अप्लाई करने जा रही हूँ। ये है करी पत्ता, जो होता है ना, जो करी लीव्स होती है जिसे हम तड़के वगैरह में डालते हैं, ये मैंने उसको ग्राइंड करके देन उसका जूस निकाल के उसको इस तरह से स्प्रे बॉटल में फिल कर लिया है। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी देखनी है तो मैंने इसका वीडियो पोस्ट कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज मैं इसे अपने बालों पर लगाऊंगी क्योंकि मैंने कल ही अपने बालों को धोया है, शैम्पू किया है, तो आज मैं जस्ट ऐसे ही पानी से उसको धो लूँगी बिना शैम्पू के। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके लिए, अगर आप अपने बालों को विदाउट शैम्पू वॉश करना चाहते हो तो इस तरीके से, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है बालों पर लगा लो तो वो अपना पीछे से कुछ ऐसे छोड़ती भी नहीं है स्मेल वगैरह, और आप बिना शैम्पू के अपने बालों को वॉश कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं इसे आपको अप्लाई करके बता देती हूँ। सो गाइज, इस तरह से आपको अपने बालों पर कुछ देर के लिए मसाज करनी है, थोड़ी सी देर के लिए, मतलब ज़्यादा ऐसे ऑयलिंग वाली मसाज नहीं, बस हल्के हाथों से इस तरीके से ताकि वो पोर्स के अंदर चले जाए। और हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, इस लिक्विड को आप अपने बालों पर तभी अप्लाई करें जब आपके बाल क्लीन हो, ये ना हो कि आपने दो दिन से अपने बालों को नहीं धोया और फिर आप इसे लगा रहे हो, तो ये ज़्यादा अच्छा असर नहीं करेगी क्योंकि इसके लिए आपके पोर्स को ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से आपके बाल क्लीन होने चाहिए। और दूसरा है, आप इसे अपने बालों पर कम से कम एक घंटा तो आप इसे रखिए, और उसे ज़्यादा रख सकते हो तो और भी अच्छी बात है। और आप इसे ओवरनाइट भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने इसको ओवरनाइट भी काफ़ी बार लगाया है क्योंकि ये पानी ही है तो थोड़ी देर में ये सूख जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ओवरनाइट इसको अपने बालों में छोड़ सकते हो, देन आप सुबह शैम्पू करो या बिना शैम्पू के अपने बालों को धो लो। तो इस तरीके से इसे लगाना है। तो मैं देखूंगी, मैं इसे करीब 2 या 3 घंटे अपने बालों पर रहने दूंगी। आप इसको मिनिमम 1 घंटा तो रखिएगा ही, आपके पास टाइम की अगर कमी है तो, अदरवाइज़ आप इसे 2 घंटे 3 घंटे या पूरी रात कितने भी टाइम तक रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए गाइस, 2-3 घंटे के बाद रख के मैं अपने बालों को वॉश करूंगी और फिर आपको उसके बाद बताऊंगी कि क्या इफ़ेक्ट है। वैसे देखा जाए तो ये जो करी पत्ते का जो ये है, ये स्मूथनेस के लिए या शाइन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हर्बल फॉर्मूला है आपके बालों की ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए। बट फिर भी मैं आपको इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, तो आज है 7वां दिन मेरा जो DIY का जो चैलेंज चल रहा है उसका, आज आखिरी दिन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये जो भी मेरे 6 दिन रहे हैं, जो भी मैंने अल्टरनेट डेज पर जो भी मैंने DIY अपने बालों पर किया है गाइस, इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट मेरे बालों पर मिला है। पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, बाउंसी हो गए हैं, और बालों का जो लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो गया। मैंने अभी कॉम नहीं किया अपने बालों में, जस्ट मैंने ऐसे ही रबर बैंड खोल के देन अब मैं अपने बालों पर जो आज का जो लास्ट जो पैक है वो मैं अप्लाई करूँगी। ऐसा नहीं है कि इस चैलेंज के बाद मैं कुछ करूँगी नहीं, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखने वाली हूँ क्योंकि हम लोग जिस तरह से अपनी स्किन की केयर करते हैं डेली बेसिस पर, कुछ ना कुछ अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं गाइज, हमें अपने बालों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग आलस की वजह से, लेजीनेस की वजह से छोड़ देते हैं कि चल छोड़ बालों में, कि एक दिन ऑयलिंग करेंगे देन हो जाएगा हफ्ते में एक बार, बट ऐसा नहीं है। कम से कम हफ्ते में 2 बार हमें अपने बालों का पैम्परिंग सेशन ज़रूर करना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बट जो भी मैंने आपको इस चैलेंज के दौरान बताया है वो सब आप करिए और ट्रस्ट मी, आपके बाल बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। इनमें से कोई भी आप एक चीज़ पिक कर लीजिए। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आज का जो मैं करने जा रही हूँ इस पैक के बाद, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इन 7ों में से जो बेस्ट था वो कौन सा था। तो चलिए फिर अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं करने जा रही हूँ, ये देखिए, आज मैं मुल्तानी मिट्टी मैं इस बार अकेले नहीं इस्तेमाल करूँगी, मुल्तानी मिट्टी के साथ में कर्ड लगा रही हूँ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा और ये पहले की तरह मेरे बालों को ये रफ़ नहीं करेगा। तो मुल्तानी मिट्टी और दही, मैंने इन दोनों को मिक्स करके अब मैं इसे अपने बालों पर लगाऊंगी। मैं ये DIYs आपको करके इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है और ये सब करती तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता। जस्ट ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको दही लेनी है थोड़ी सी और उसका मतलब 1 चम्मच करीब, जैसे आपने 3 चम्मच दही लिया तो 1 स्पून आप मुल्तानी मिट्टी लो, देन मिक्स करके अब मैं इसे अपने बालों पर अप्लाई करूंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं।
गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो आप लोग भी घर पे इन सारी होम रेमेडीज को ट्राई कीजिएगा, एक्सेप्ट एक होम रेमेडी को जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में बता चुकी हूँ, मुल्तानी मिट्टी वाला जो पैक है। वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा खराब था। मुझे एक्चुअली किसी मेरी फ्रेंड ने बोला था कि मुल्तानी मिट्टी से डेली बेसिस पर बाल धो तो बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और सच में उसके बाल बहुत ज्यादा अच्छे भी थे लेकिन वो मुझे सूट नहीं किया। मे बी शायद मैंने फर्स्ट टाइम उसको इस्तेमाल किया था इसीलिए वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया, तो मुल्तानी मिट्टी का जो आइडिया वो फ्लॉप निकला। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेरा जो इस पूरे 7 दिन का जो चैलेंज था इसमें जो बेस्ट कौन सा था, सबसे अच्छा था, तो रैंक 1 पर अगर मैं किसी को रखूँ तो वो मैं रखूंगी अनियन का जो जूस मैंने निकाला था, जिसे मैंने ग्रेट किया था और देन उसको निचोड़ के या फिर छन्नी से छान कर उसका जो जूस निकाला था उसमें मैंने कोकोनट ऑयल मिक्स करके फिर उसे अपने बालों पर लगाया था। कुछ घंटे के लिए मैंने उसको 2-3 घंटे के लिए अपने बालों पर रख के देन वॉश कर लिया था। वो सबसे बेस्ट था, वो नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे अगर मैं किसी को रखूं तो अनियन हेयर ऑयल हाँ, और थर्ड नंबर पे कर्ड। तो अनियन हेयर ऑयल और जो कर्ड है उन्होंने इक्वली बहुत ज्यादा अच्छा मतलब मेरे बालों को लुक दिया था। तो ये जो 3 चीजें हैं ये बेस्ट हैं, एक तो अनियन जूस और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर हो, दूसरा अनियन हेयर ऑयल, और तीसरा जो कर्ड है। कर्ड बहुत ज्यादा सिंपल होम रेमेडी है, आपको जस्ट कर्ड लेनी है और देन अपने बालों पर ऐसे ही अप्लाई कीजिए, कुछ भी उसमें मिलाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप कर्ड लगाते हो तो भी आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो ये थी रैंकिंग की मुझे सबसे बढ़िया कौन सा लगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करी लीव्स की, जो मैंने स्प्रे बनाया था, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि उसका रिजल्ट ये नहीं होता कि आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, वो सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए होता है। तो उसका सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए ही था, बाकी बाल मेरे बिल्कुल नॉर्मल ही थे। सो गाइज अब मैं यहाँ पर आप लोगों से ये शेयर कर लेती हूँ कि 7 दिन जो मैंने इस्तेमाल करा उसके बाद क्या रिजल्ट रहा। तो सच में गाइस 7 दिन के बाद मेरे जो बाल है ना उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया। मैं आपको बताऊं, मैंने इसके पहले जब मैं इन सब चीजों को मैंने इस्तेमाल नहीं करा था तो मेरे बाल ना एकदम होते ना एकदम रूखे सूखे भी नहीं थे, लेकिन वो बाउंस नहीं था बालों में, वो शाइन नहीं थी बालों में। लेकिन अब अगर मैं देखती हूँ तो मेरे बाल जो है वो पहले से बाउंसी हो गए हैं बहुत ज्यादा, और शाइन भी बालों में आ गई है। ये देखिए। और अगर मैं बात करूँ हेयर ग्रोथ की, तो अगर डेली बेसिस पर या फिर ऑल्टरनेट डेज पर मैं अपने बालों पर ऑयलिंग करती रहूंगी इसी तरीके से, तो आई एम श्योर कि मेरे बाल पहले की तरह लंबे हो जाएंगे। सो गाइज आप लोग भी घर पर इन सारी होम रेमेडीज को ट्राई कीजिएगा, स्पेशली जो मैंने आपको अभी बताई है लास्ट में, वो 3 होम रेमेडीज जरूर से उनको कीजिए। टाइम निकालिए, ऑल्टरनेट डेज पर कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। सच में आपके बाल ना बिल्कुल ही आपको अलग रिस्पॉन्ड देंगे। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए गाइज आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।